सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आवाम बहुत कंफ्यूज होती है कि शबे कदर है कौन सी रात। 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। इतनी आसान है शबे कदर, इतनी आसान है कि इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको शबे कदर का पता मिल जाएगा। किसी ने कहा 21 होती है, किसी ने कहा 23 होती है, किसी ने कहा 25 होती है, किसी ने कहा 27 होती है, किसी ने कहा 29 होती है। अकवाल जितने बढ़ते जाते हैं लोगों का कंफ्यूजन उतना बढ़ता जाता है। लेकिन आइए, मेरे आका सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने जो बताया शबे कद्र, मैं वो आपको बता दूं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जिस दिन तू दिल की गहराई से अल्लाह की इबादत कर, जिस दिन तू दिल की गहराइयों से, जिस शब तू दिल की तह से इखलास के साथ अल्लाह की इबादत कर, बस वही रात तेरे लिए शबे कदर। शबे कदर क्या है? जिस रात तूने दिल से अल्लाह को पुकार लिया, वही तेरे लिए शबे कदर है। बाकी अवाम को और मामलात में उलझने की जरूरत नहीं। लोग इतना उलझा रहे कि ये है, ये है, ये है, सारे अकबाल अपनी जगह है। अरे शबे कद्र में भी दिल काफिल है तो क्या शबे कद्र मिली? सरकार गौसे पाक फरमाते, जिस दिन तेरा दिल हाजिर है और खुलूस से दिल से तू अल्लाह को पुकार रहा है, तुझे शबे कद्र मिल गई। इसलिए कि जिस दिन तू अल्लाह को पुकारता है दिल की गहराइयों से, फिर अल्लाह तुझे तीन मर्तबा, एक मर्तबा तू पुकारता है, तीन मर्तबा अल्लाह तेरी तेरी पुकार पे लब्बैक कहता है। इसीलिए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब हज का एहराम बांधते हैं तो पहली मर्तबा लब्बैक कहते हैं तो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं, दूसरी मर्तबा लब्बैक कहते फिर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते, तीसरी मर्तबा लब्बैक कहते फिर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते। लोग कहते हैं आप पूरी लब्बैक ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पूरी लब्बैक है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। लब्बैक कहते जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते। कौन? सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, करीम इब्ने करीम, सैयद इब्ने सैयद, सखी इब्ने सखी, वली इब्ने वली, अली इब्ने अली, उनका नाम भी अली, उनके दादा का नाम भी अली। इस कदर इबादत गुजार हैं कि रोजाना 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इसीलिए उनको सैयद सज्जाद कहा है, यानी सजदा करने वालों का सरदार। लोगों ने कहा आप लब्बैक ही नहीं पढ़ पाते, बेहोश हो जाते हैं। इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है जब बंदा खुलूस से लब्बैक पढ़ता है तो अल्लाह तीन बार उसको उसके जवाब में कहता है लब्बैक व सादैक, मैं भी हाजिर, तू हाजिर है तो मैं भी हाजिर हूँ, और मैंने तुझे नेक किया, तुझे बरकत वाला किया। और जब बंदा जबान से लब्बैक कहता और दिल से नहीं कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक ला सादैक, कि मैं तेरे लिए नहीं हूं और मैंने तुझे बदबख्त कर दिया। कब? जब लब्बैक पढ़ी जाती है और दिल हाजिर नहीं होता। अब शबे कद्र तो मिल गई लेकिन दिल ही हाजिर नहीं है। सलातुत तस्बीह पढ़ी जा रही है, दिल ही हाजिर नहीं है। नवाफिल पढ़ी जा रही है, दिल ही हाजिर नहीं है। तस्बीह पढ़ी जा रही है, दिल ही हाजिर नहीं है। तो बताएं फिर शबे कद्र की बरकतें कैसे मिलेगी? शबे कदर की बरकतें तो उन लोगों को नसीब होगी जिन लोगों के कुलूब हाजिर है, दिल हाजिर है, जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो रो रहे गिड़गिड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को तुम्हारा रोना बहुत पसंद है। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होया करो तो गिड़गिड़ाया करो, रोया करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मक्की के सर के बराबर भी अगर किसी की आंख से आंसू निकल जाए तो अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देते। लेकिन अफसोस हमें तो रोना ही नहीं आता, बल्कि अगर कोई अल्लाह के खौफ से रोता है तो हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, इसलिए कि हमें रोना नहीं आता। दोस्तों अगर नाराज हो जाए तो हम रोते हैं, भाई अगर रूठ जाए तो हम रोते हैं,
घर से निकाल दिया जाए तो रोते हैं, बच्चा मर जाए तो रोते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाए तो रोते हैं, लेकिन हम अल्लाह के लिए नहीं रोते। अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने अपने कानों से हुजूर सैयद आलम से सुना है, आकाए करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह को मनाने के लिए अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, अल्लाह उन लोगों को बगैर हिसाब व किताब जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन हाय अफसोस, हमें रोना नहीं आता। सहरी का वक्त हमने कहकहों में गुजार दिया, इफ्तार का वक्त कहकहों में गुजार दिया, रमजान शरीफ का आखिरी अशरा आया तो अब इसको हम बाजारों की जीनत में गुजार देते हैं, बाजारों में खरीदारी के लिए गुजार देते हैं। कौन रोएगा हमारे हाल पर, कौन रोएगा हमारे अमाल पर, कौन रोएगा हमारी आखिरत के हवाले से? याद रखें, अल्लाह के खौफ से तो पत्थर भी रोया करते हैं, अल्लाह के खौफ से तो पत्थर भी रोया करते हैं। क्या हमारा दिल इतना सख्त हो गया पत्थरों से ज्यादा कि हम अल्लाह के लिए नहीं रोते, रब की बारगाह में मगफिरत नहीं चाहते, रब की बारगाह में दुआ नहीं करते? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको माह रमजान मिला और उसकी मगफिरत नहीं हुई वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। माह रमजान तो मिल गया, क्या मगफिरत भी मिल गई? क्या बख्शिश भी मिल गई? क्या नजात भी मिल गई? बताओ, अगर नहीं मिली तो ये कहकहे क्यों है? ये वक्त की बर्बादी क्यों है? शबे कदर तलाश करने का शौक क्यों नहीं है? अब हमारे पास चंद दिन बचे हैं, काश कि हम उसका एहसास कर लें, काश कि हम उसको गनीमत जान लें।